बीएसपी मिशन 2022 में पूरी तरह से जुट गई है। कल लखनऊ में मायावती ने इसका आगाज किया और आज पार्टी कार्यालय पर जो कोऑर्डिनेटर हैं अलग अलग मंडलों के, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी एक बैठक बुलाई गई थी। हमारे साथ मुनकाद अली हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। मुनकाद जी, क्या कुछ कहा बहन जी ने? आज जो हमारी पार्टी का संगठन का कार्य चल रहा है बूथ स्तर तक, वो कंप्लीट हो चुका है। आदरणीय बहन जी का निर्देश है कि उसे पूरी तरीके से कंप्लीट करिए, वो निर्देश दिए हैं। उसके साथ साथ 9 तारीख को जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी की पुण्यतिथि है, जो हम मंडल स्तर पर उस कार्यक्रम को करते थे, तो उसे लखनऊ पहुंचकर करने के लिए। वो तो आपका सेकंड फेज है, खुद मायावती ने कल ऐलान किया था कि 9 तारीख को सब लोग आए, यानी आपका दूसरा चरण अब 9 तारीख को शुरू होगा मिशन 2022 का, वो आदरणीय बहन जी बता चुके। अच्छा, ये बताइए कैंडिडेट कौन होगा, इस पर कोई रिपोर्ट ली है बहन जी ने, मायावती जी ने इस पर कोई रिपोर्ट ली आप लोगों से? इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई और कैंडिडेट हर जगह हर सीट पे हमारे पास तैयार। कब तक घोषित करेंगे आप लोग, क्योंकि कोऑर्डिनेटर की बहुत बड़ी भूमिका होती है बीएसपी में? धीरे धीरे जहाँ फाइनल हो रहे हैं वो डिक्लेयर हो रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो ये आपने सुना क्या कहना है मुनकाद अली का, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं, बैठक में शामिल थे। तकरीबन एक घंटा ये बैठक चली है और आज आगामी जो रणनीति, यानी जो सेकंड फेज शुरू होगा बहुजन समाज पार्टी का, उस पर रणनीति बनी है। कैमरा साहब मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।